बुंदेलखंड की शान भाई क्रिश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बंदन है, अभिनंदन है। आज छतरपुर की स्थापना के समय मंदिर बनाया गया था खीर की देवी, उसके दर्शन करते हैं। देखिए, यह रहा काफ़ी प्राचीन मंदिर है। छतरपुर की स्थापना के समय महाराजा छत्रसाल ने जिन मंदिरों के निर्माण किया गया था उनमें से एक ही मंदिर है। जुड़े रहिए हमारे साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर शुरू कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लेके आते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ में और पूरी जानकारी वीडियो में प्राप्त करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद शंकर तिवारी। मंदिर की व्यवस्था में जुड़ा हुआ हूँ। ये मंदिर खेरेक देवी का मंदिर आज से लगभग 350 वर्ष पहले महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित किया गया था। 350 वर्ष पहले छतरपुर ग्राम की स्थापना की थी। ग्राम की रक्षा माता की स्थापना यहाँ की गई थी। जब से ये मंदिर बराबर पूजा जा रहा है 350 वर्ष हो गए। पहले एक छोटा सा गांव था और ये गांव विकसित होते होते आज एक बड़े शहर के रूप में विकसित हो गया। और माता की पूजा के लिए पूरे नगर के कोने कोने से माताएं, बहनें, बेटियाँ, भाई बंधु सब यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर पहले एक छोटे कमरे में माता विराजमान थी, लेकिन यहाँ पर इसका एक न्यास बनाया गया, सार्वजनिक न्यास मंदिर खेरे की देवी। और न्यास के माध्यम से इतनी बड़ी छत तैयार की गई, ये शिखर बनवाया गया, ये चारों तरफ रेलिंग बनवाई गई, दोनों साइड में ये चीज के गेट लगवाए गए और बरामदा बनवाया गया, तलघर बनवाया गया, ऊपर दो बड़े कमरे बन गए। और इस प्रकार से धीरे धीरे समय समय ये मंदिर विकसित होता रहा। अभी आज इस साल ये सब जगह पूरे मार्बल लगा दिया गया और इस समय नगर के प्रसिद्ध मंदिरों में से खेरे देवी मंदिर एक है। लोग बाहर से भी आते हैं तो चर्चा करते हैं कि नहीं, खेरे की देवी मंदिर में भी जाके हमको दर्शन करना है। तो ये एक दर्शनीय स्थल हो गया हमारे छतरपुर। और यहाँ पर इस नगर की रक्षा के लिए छत्रसाल जी ने 4 देवी देवताओं की स्थापना की थी। खेरे का मतलब होता है बाउंड्री, सीमा। तो बाउंड्री की रक्षा, बाउंड्री में बैठा दिया माता को यहाँ पे। उधर मोटे के महावीर ने मोटे के महावीर को बैठा दिया। वहाँ वो फिरंगी पछाड़ मंदिर है, वहाँ उनको बैठा दिया गया। और एक ये जाट टोरिया है, उधर उनको बैठा दिया। इस तरह से चारों कोणों में एक न एक देवी देवता बैठाए गए और उन्हें छत्रसाल जी महाराज की सौजन्य से ये सब प्राप्त हुआ। छत्रसाल यहाँ आए थे तो उनके गुरु थे लालदास महाराज। और लालदास महाराज के साथ में 3 पंडित आए थे नेपाल से और 2 पंडित आए थे कश्मीर से। तो ये 5 पंडितों ने यहाँ पर ये सब कुछ स्थापना की। इस प्रकार से मंदिर बराबर प्रचलित है, पूजा जा रहा है, दर्शनीय स्थल है। और हम क्या बताएं, जैसा आप लोग बताएँ।